नमस्कार सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। बता बसते बसते ना है? बसतो मी बसतो। हाँ एक्चुअली मेरा मराठी ज्यादा अच्छा नहीं, फिर भी आना चाहिए ना। अरे मुंबई में रहके तो मराठी आना चाहिए, मुंबई में रहके मराठी नहीं आता। अरे तुम सब लोकल पब्लिक का क्या प्रॉब्लम रहता है? क्या रहता है? जहाँ पे भी जाओ लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अरे हमारा ट्रांसफर होता है ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी, कभी कोलकाता, कभी गुजरात, कभी मुंबई, कभी बैंगलोर। अच्छा। मतलब जब तक मैं कोलकाता में रह के केम छू मजामा गीला तेरा पजामा ये सब सीखूंगा ना, तब तक मेरा ट्रांसफर गुजरात हो जाएगा। एक मिनट, केम छू मजामा तो गुजराती है ना? ओह नो। तो अब कोलकाता में जाके गुजराती कैसे बात की है? मैं क्यों बोलूंगा? बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अरे अभी तो आपने गुजराती बोला। अरे नहीं अभी तो हिंदी बोल रहे हो। अरे अभी मतलब अभी नहीं, आप जब कोलकाता में थे तभी। देखो तुम समझ नहीं रहे, तभी और अभी कभी सेम नहीं होता। जाऊ दे ना ढोलके, आदरना कुठे जाऊन काही पण बोलू दे, आपल्याला काय करायचंय? क्या बोला आपने? काय नाही काय नाही, आमचा हिंदी ना थोडा तोडका मोडका है। हाँ तो बोलिए क्या काम था? इसका काम था। अच्छा आप बोलिए। आप मतलब आपसे लोन का इंक्वायरी करना था? हाँ। ओके कौन सा लोन चाहिए आपको? अरे दे दो ना कोई भी अच्छा सा, टिकाऊ, किफायती। और हेलो ये सब्जी मंडी नहीं है, बैंक है क्या? फर्नीचर लेने आए हो? टिकाऊ और किफायती? अरे सॉरी ना सर जी, उसे इग्नोर कर दो। ए मैं बात कर रहा हूँ ना सर, हमें ना वो हम जैसे गरीब लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक लोन रहता ना, वो लोन चाहिए। क्या बोलते रहे उसको? मुर्दा लोन या कुछ तो होता ना? अरे नहीं नहीं मुर्दा लोन नहीं, मुद्रा लोन। हाँ हाँ मुद्रा लोन, मुद्रा लोन वही चाहिए। अच्छा मुद्रा में कौन से स्कीम अंडर चाहिए? उसके अंडर नहीं, मुद्रा में ही चाहिए। सुनो कैसे होता है, मुद्रा के अंडर भी 3 स्कीम होती है, शिशु, किशोर और तरुण। तो आपको कौन सा चाहिए? ये चोमिया तेरे को कौन सा अच्छा लगा? अपन शिशु वर्गापासून फ्रेंड्स है ना। हाँ मग शिशु स्कीम मस्त है। अरे कौन सा अच्छा लगा क्या होता है? मैं क्या मोबाइल कवर बेच रहा हूँ क्या? आपका रिक्वायरमेंट क्या है? सच बोलू तो नहीं पता सर। ओके लोन अमाउंट क्या होगा? कुछ फिक्स नहीं है, मतलब जितना हो जाएगा उतना। ओके क्या बिजनेस क्या है? हाँ स्टार्ट करने के लिए चाहिए लोन। हाँ लेकिन बिजनेस कौन से फील्ड में है? कुछ फिक्स नहीं है सर, लोन लेने के बाद बता देंगे ना आपको। कुछ एक्सपीरियंस तो होगा आपको? एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा कहाँ करोगे बिजनेस वो तो पता है, कुछ शॉप वगैरह देखा है? नहीं कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है कुछ रेंट होगा या सेल्फ ओन होगा? वो भी फिक्स नहीं है। अरे भाई तो फिक्स क्या है, लोन लेना है वो फिक्स है ना। देखो ऐसा नहीं होता, सारे रिक्वायरमेंट्स लिख कर लाओ, बाद में बात करेंगे। अरे वो जो गवर्नमेंट ने दिया ना 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट बैंक्स को, उसमें से दे दो ना थोड़ा। हाँ वो 20 लाख करोड़ जाएगा ना सबके अकाउंट में, वो हिसाब से मेरे अकाउंट में कितना आएगा? अरे वो 20 लाख करोड़ का वैसे नहीं है, आप ठीक से जानकारी लेके आओ बाद में देखेंगे। मेरे अकाउंट में कितना आएगा वो तो बता दो। अरे वैसे नहीं होता, लोन का वो प्रोसेस होता है, वैसे जाना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ अलग से चाहिए रहेगा तो वैसे बता दो ना। अरे आप तो कुछ भी बात कर रहे हो, वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसके बारे में ठीक से डिटेल में पढ़ के आओ ठीक है। अरे तो मुद्रा वाला लोन दे दो ना थोड़ा सा। हाँ देखो आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे तो समझाओ ना, हमें नहीं समझ में आ रहा है तो। अरे क्या समझाओ, ये गवर्नमेंट बैंक्स का ना यही प्रॉब्लम होता है, आपको ना विजय मल्ल्या और नीरव मोदी को ही लोन देना है, हम जैसों को भी दे दो ना थोड़ा लोन। अरे छोड़ना दीपक, ये लोग नहीं सुधरेंगे, अपने ही पैसे से इनका सैलरी आता है और अपने को ही सुनाएंगे उल्टा। वही तो, यहाँ पे आके आराम करेंगे, कभी काम के लिए आए हम लोग तो काउंटर टू काउंटर दौड़ाएंगे। हाँ देखो ऐसी बात नहीं है, बात एक काम नहीं होता आपके गवर्नमेंट बैंक में, कभी पासबुक प्रिंटर खराब है, कभी सर्वर डाउन है, कभी लाइट नहीं है, तो कभी स्टाफ ही नहीं है। अगर ये सब चालू होता है तो बीच में आ जाता है आपका लंच टाइम, इसमें से भी अगर एक हद काम करके घर जा रहे हैं तो घर जाने से पहले उस काम का चार्जेस डेबिट होने का मैसेज आ जाता है। वाह अरे काम करने आते हो ना तो काम करो ना। इनका कैसे है पता है दीपक, इनको ना हर साल इनका सैलरी बढ़ना चाहिए, जो कि हमारे गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा रहता है। स्कूल की तरह हर छोटा छोटा त्योहार का छुट्टी भी चाहिए, कुछ हुआ नहीं कि स्ट्राइक कर देते हो, उसका भी पैसा घर बैठ के मिलता रहेगा ना आपको। हाँ ओ हेलो सैलरी के ऊपर मत जाओ, ये पर्सनल हो रहा है। होने दो ना पर्सनल, हमें भी तो पर्सनल लोन ही चाहिए। अरे मतलब हमें ये बताओ कि गवर्नमेंट ने जो 20 लाख करोड़ दिया गवर्नमेंट बैंक्स को, पैसा गया कहाँ? अगर गवर्नमेंट इतना अच्छा अच्छा स्कीम निकाल रही है तो इनका काम बनता है ना पब्लिक को लोन देना। लगता है आप सबको ना गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में बहुत सारी गलतफहमी है, चलो आज दूर करते हैं।
पहली बात आप कब से कह रहे हैं 20 लाख करोड़ में से आपके अकाउंट में कितना आएगा, बराबर? ठीक है, आपको मैं भी डिटेल में बता देता हूं। अभी मुझे बताओ, इस 20 लाख करोड़ रुपए में से 8 लाख करोड़ तो सिर्फ आरबीआई देगी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अच्छा, तो बचा कितना? हाँ, 12 लाख करोड़ बच गए। इनमें से 3 लाख करोड़ लोन जाएगा एमएसएमईज के लिए। कितना बचा? 8 लाख तो बच गए, अभी इसमें से कितना मिलेगा? उसमें से 2 लाख करोड़ तो ऑलरेडी 2019 के बजट में अनाउंस कर दिया। अब कितना बचा? फिर भी 6 लाख करोड़ तो बच गए ना, उसमें से कितना मिलेगा? अभी इसमें से 2 लाख करोड़ फार्मर्स के लिए लोन जाएगा कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे। अब कितना बचा? 4 लाख। 4 लाख तो बच गया ना, उसमें से कितना मिलेगा? इसमें से 90,000 करोड़ जाएगा पावर डिस्कॉम्स के लिए और 5,000 करोड़ जाएगा लोन्स टू वेंडर्स। अब कितना बचा? सर जी, अभी सिर्फ 3 लाख करोड़ बचे है, अब तो हो गया ना सबका। इसमें से 1 लाख करोड़ जाएगा लोन टू एग्रीकल्चर, जो कि फिशरीज और डेयरी रिलेटेड है। आपका है? नहीं। तो अब कितना बचा? अरे बस करो ना सर जी, अब सिर्फ 2 लाख करोड़ बचे, इसमें से कितना मिलेगा वो तो बता दो। अभी जो पैसा बचा है वो जाएगा लोगों के सस्ते राशन में, जो माइग्रेशन कर रहे हैं उनके खाने पे, और जो मनरेगा के अंडर वेजेस आते हैं उनके लिए। हाँ ठीक है, उनके लिए भी क्या, अभी हमारे लिए। सो इन शॉर्ट, ये सब कैलकुलेट करके आपके अकाउंट पर हाँ कैलकुलेट करके कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं? ये कौन सा 20 लाख करोड़ का पैकेज है? और आपने क्या कहा था, हमारा सैलरी आप जो टैक्स पे करते हैं उससे आता है? तो नहीं, हमारा जो सैलरी है ना बैंक के प्रॉफिट से आता है। ओके। और इसमें से कुछ शेयर आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जाता है। अच्छा, पर अगर प्रॉफिट कम हुआ तो क्या मर्जर कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे? वही तो चल रहा है अभी। और प्रॉफिट होगा भी क्यों, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर रूरल में ब्रांचेस ओपन करने को बोला है। अभी रूरल ब्रांचेस में क्या होता है देख लो। अभी इसके बाद गवर्नमेंट्स बैंक को गवर्नमेंट से टारगेट भी दिया जाता है, जनधन अकाउंट, अटल पेंशन अकाउंट, जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा बीमा, बहुत सारे। उसमें एक आता है जीरो बैलेंस अकाउंट। हाँ, पब्लिक को लगता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट में बैलेंस तो जीरो रखना है, पैसा गवर्नमेंट भेजेगी तो। अरे नहीं, अगर जीरो बैलेंस भी रखोगे तो पेनल्टी नहीं लगेगी, इसलिए जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, पैसा आप ही को डालना है उसमें। ओके, अभी टारगेट कंप्लीट भी करने के बाद क्रेडिट कौन लेके जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना एक सफल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम रहा, जिसमें 3 साल में 2014 से 2017 की अवधि में 28 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए। बैंक खाते रखने वाले लोगों की संख्या 2014 में यानी हमारी सरकार बनने से पहले करीब करीब 50-52% थी, वही इन 3 सालों में 80% को पार कर चुकी हैं। और ये जीरो बैलेंस अकाउंट में एटीएम दो, पासबुक दो, ये अकाउंट मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? बैंक का। ऐसे भी होता है? इसके बाद बिजनेस बूस्ट करने के लिए मुद्रा के टारगेट दिए जाते हैं, मुद्रा लोन्स के, जिसके लिए आप आए हो। जब इलेक्शन होता है तब गवर्नमेंट हेड ऑफिस को टारगेट देते हैं, हेड ऑफिस जोनल ऑफिस को, जोनल ऑफिस ब्रांच हेड को, और ब्रांच हेड मैनेजर को। अब ये सब होने के बाद इसका भी क्रेडिट कौन लेके जाएगा? पिछले 3 वर्षों में करीब करीब 10.25 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा योजना से लोन स्वीकृत किए हैं। इन 10.25 करोड़ युवाओं को
करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हम दे चुके हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर लोग देते वक्त क्रेडिट गवर्नमेंट लेता है तो लोग डूबने के बाद वो क्रेडिट बैंक से क्यों देता है? हाँ वो भी सही है, वो भी पूरा लिस्ट में कि कौन से बैंक ने कितना लोन डुबाया। हाँ और आप क्या कह रहे थे, हमारा सैलरी हर साल बढ़ता है, कहाँ से लाते हो ये न्यूज? अरे हमारा सैलरी हर 3 साल में एक बार बढ़ता है, 2017 में बढ़ने वाला था, IBA ने 2% का ऑफर दिया। अभी IBA क्या होता है? ओके IBA इज इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, जो एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टेट्यूटरी, फिर भी वो सारे गवर्नमेंट बैंक का वेस्ट सेटलमेंट करता है। अगर हम ये इशू लेके गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट बोलता है IBA को अप्रोच करो, और IBA क्या बोलता है, तुम्हारा बैलेंस शीट पूरा है, बहुत सारे NPA, तुम एक काम करो, जितने भी डिफॉल्टर है उनको क्रिमिनल डिक्लेयर करो, उनका जो डूबा हुआ लोन है उसका भरपाई कर दो, उसके बाद हम बात करेंगे। अरे फिर ये बताना चाहिए ना पब्लिक को, रो धो के हाथ पैर जोड़ के बहुत सारे मीटिंग्स पे मीटिंग्स करके, ये जो हम लोग स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं ना वो सब करके 2017 का 2% का इंक्रीमेंट हम लोगों ने 2020 में 15% तक लगाया, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ मीटिंग्स में ही है। इन सब के बारे में तो हमें पता ही नहीं होता, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टॉक मार्केट, इतना ही नहीं हम जिसे फॉलो करते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 5-day वर्किंग फॉलो करती है, लेकिन जब हम बैंक्स 5-day वर्किंग के लिए अप्रोच करेंगे तो हमें क्या सुनाई जाता है, बैंकिंग इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इंक्रीमेंट सिर्फ 2% का। एंड सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे में जब बैंक का हॉलीडे होता है तो उसी दिन बैंक के बाहर आके तुम बोलोगे ये बैंक तो हमेशा बंद होता है। सॉरी सर, हमारी बदकिस्मती इतनी बदकिस्मत है ना कि हमारा जॉब डिसाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हॉलीडे डिसाइड होता है स्टेट गवर्नमेंट से, सैलरी डिसाइड होता है हमारे खुद के फंड से, और वेस्ट सेटलमेंट डिसाइड होता है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। आप बोलोगे ये कौन सा गवर्नमेंट बैंक है? नहीं सर जी, हम भी गवर्नमेंट बैंक को सपोर्ट करेंगे ताकि आप भी हमें अच्छी सर्विस दे पाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय आपको अच्छी सर्विस देगा, लेकिन जब आपको अच्छी सर्विस मिलती है तो क्या आप उसे अप्रिशिएट करते हो? हाँ वो भी सही है। अगली बार आते वक्त डॉक्यूमेंट साथ में लाना, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो हमारा भी हक बनता है सपोर्ट करना। विजय माल्या का इतना करोड़ वो भाग के निकल जाओ, हमारा 2 लाख पटका पड़ा है तो हमारा नोटिस भेजते हो।